तो हर किसी के दिन आ रहे हैं, पता नहीं आम आदमी के दिन कब आएंगे। मेरे यहाँ पर ये हल्दी भी निकल गई है, पंडालू भी निकल गया, मूला भी निकल गया, लाख श्री पंचमी लाख आठों लाख सातों जी रहा जाग रहा बची रहा यो दा यो दिन यो बार बैठने रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रश्मि रावत और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं उत्तराखंड के देहरादून शहर से शाम के 4 बजे से। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और काफ़ी अच्छी धूप खिल रही है, आजकल हवा भी चल रही है। तो आज बसंत पंचमी है, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, मतलब ठंड नहीं रही, अब सुबह शाम की हल्की है थोड़ी बहुत यहाँ पर, बाकी तेज़ धूप लग रही है जैसे कि आप देख रहे होंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर राई बोई हुई थी तो राई यहाँ पर फूल गई है, इसमें अच्छे अच्छे फूल आ गए हैं, पीले पीले फूल और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। और इधर मैंने थोड़ी सी लगाई थी लहसुन, आज मैंने सोचा इसकी थोड़ी गुड़ाई कर लेती हूँ। और उधर मैंने थोड़ा हल्का सा, ये दिख नहीं रहा होगा इधर से, ये धनिया लगाया था, थोड़ा थोड़ा हो रखा है तोड़ ताड़ के, मतलब मैंने आधा तो यूज़ कर लिया, थोड़ा सा बचा है। वैसे मुझे इतना आता नहीं है गुड़ाई वगैरह, पर थोड़ा बहुत मैंने कर लेती हूँ। लहसुन के पत्ते ना यूज़ हो जाते हैं खाना, मतलब तड़का वगैरह लगाने के लिए। और आजकल वैसे भी लहसुन के दिन आ रखे, हर साल किसी साल प्याज महंगा, किसी साल टमाटर महंगा, किसी साल नींबू महंगा और इस साल लहसुन महंगा, तो ऐसे ही हो रहा है। तो हर किसी के दिन आ रहे हैं, पता नहीं आम आदमी के दिन कब आएंगे। तो मैं ये थोड़ा हल्के से इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ जितना सा हो पाएगा मुझसे। दोस्तों ये देखो मेरी कितनी बड़ी बड़ी वो रखी है, ये गोभी के फूल। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? आदि कह रहा मैं भी खेती कर रहा हूँ। तो ये मैंने हल्की फुल्की सी गुड़ाई कर ली है जितना मुझे आता था, बीच बीच में ये धनिया बोया था मैंने वो रखा है। अब चलते हैं घर की ओर, और ये मूला निकाल रखा है मैंने यहाँ पे ना, मैंने ये गमले में बोया था क्या डालू। बहुत निकल गया ना, इसमें मिट्टी ना गीली होगी थी बिल्कुल, जैसे निकालने का टाइम आता है बारिश होगी और उसके बाद ये सारी हल्दी है। मुझे तो बहुत सारी लग रही है। ये इधर ही है वो है, क्या था ये पिंडोल अरबी बोलते ना शामी, ये अरबी है, ये हल्दी। दोस्तों मेरे यहाँ पर ये हल्दी भी निकल गई है, पिंडालू भी निकल गया, मूला भी निकल गया। और अगर किसी को मुझसे खरीदना है तो संपर्क करें, और थोड़ा सा महंगा ज़रूर होएगा पर बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलेगा आपको, आप ट्राई कर सकते हैं। और मूला की खिचौड़ी खाने आना चाहते हैं तो वो भी आप सोच सकते हैं कि आप आ जाना मूला की खिचौड़ी खाने के लिए, और ये सब आप फिर उसके बाद खरीद के ले जाना। अभी हम छत में आ गए हैं और ये है कुन्नू रानी। कुन्नू डांस करके दिखाओ, हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय हाय कर दे। अभी तो नाच रही थी, जैसे ही फ़ोन ऑन किया तो चुप हो गई, हाय करो हाय। अभी शाम हो गई है, मतलब शाम के 5:30 होने वाले हैं और हमें चलती हुई इधर को दादी को देख के आते हैं। दादी जी क्या कर रही हैं, वीडियो बन रही है। हेलो दादी क्या कर रहे हो? देख रही हूँ पानी लगा रहे ऊपर। अच्छा कब टैंकी भरेगी, कब बंद करूँगी करके देख। अच्छा रही है। मोटर चला के है, ऊपर मोटर जब बंद करने के लिए बोल रही था। और क्या कहाँ गए थे आज आप? मैं तो घूमती रहती हूँ, कार्ड बांटने गई थी शादी। अच्छा उनके साथ आज बसंत पंचमी थी ना, मैंने कहा उसमें गई। अच्छा सुबह सबका सिर पूजा। अच्छा उसके बाद भगवान जी को भी चढ़ाया। अच्छा अपने सिर में भी रखा, उसके बाद फिर कार्ड बांटने चली गई। अच्छा कार्ड बांट के आई भी। अच्छा तो अपने उसमें ना अपनी भाषा में, मतलब कुमाऊनी भाषा में सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दो। हाँ बसंत पंचमी बहुत बहुत बधाई हो सबको, सबके घरों में सुख शांति मिले। उस कुमाऊनी भाषा में बोलो, हमारी कुमाऊनी भाषा। अरे हमारी कुमाऊनी भाषा में किसी समझ में आएगी? आ जाएगी जिसकी आनी होगी। बोलो, लाख द्वितीया लाख श्री पंचमी लाख आठों लाख सातों जी रहा जाग रहा बची रहा यो दा यो दिन यो बार बैठने रहा है, सब ना बल है जो स
सबना घर में सुख शांति मिल जा, यही आशीर्वाद सब इन से। ये देखो कितना अच्छा बोला, ये देखो कितना अच्छा है ना, अच्छा लगा है। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, क्योंकि हमें भी थोड़ी आती नहीं इतनी है ना कुमाऊनी, हम गढ़वाली हुए मतलब भाषा उधर से गढ़वाल से, और तो कुमाऊं की भाषा, पर अच्छा लगा सुन के। फिर भी दूसरे बोलो तो बोल जाते ना। हाँ आप नहीं बोलते? आप ना बहुत कम। नहीं ऐसे तो मतलब पता क्या हो गया, अब हमारे ना उत्तराखंड के लोग ऐसी हैं कि मतलब अपनी भाषा नहीं बोलते, मतलब अपने बच्चों के साथ भी वो हिंदी में बोलेंगे। आप सब बंदगढ़ अपनी भाषा बोलते हैं ना। हाँ और जैसे कि मतलब बाहर से देखो तुम, बिहार से आएंगे, राजस्थानी लोग होंगे, चाहे जो भी होंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे अपने घर में। और हम लोगों का होता है कि हम हिंदी में, जबकि हम अपनी भाषा बोलनी चाहिए ना, आनी चाहिए ना। मातृभाषा तो सबसे बड़ी चीज है। मैं इसको ही बोलती हूँ थोड़ा बोल, अंशी तो बोलती है, अंशी तो पूरा बोलती है, उसे पूरी आती है, उसे पूरी आती है बोलना चाहिए अपनी भाषा। आती है बोलते हैं तो बोल के दिखाएं जरा, बोल के दिखा दो जरा। अब भाग्य शर्मा के वो तो प्रतीक, अभी यहाँ पर दादी सुबह पूजा के लिए फूल चुन रहे हैं, तो रोज सुबह मतलब फूल जरूर रखते हैं पूजा में। ला रहे हो रोज पूजा में लगाते हो ना फूल? रोज शाम को तोड़ देती हूँ, सुबह भी पूजा में, पूजा में जरूर लगाना। और दादी और की दिनचर्या ये है कि सुबह 4 बजे मतलब उठ के नहा धो के, और जब हम सुबह उठते हैं ना तब तक कपड़े धो के भी सुखाने डाल देते हैं, डाल देते हैं। अरे सुबह का काम सुबह हो जाता है ना, अच्छा रहता बात के लिए। हाँ यही तो होता है, जब बड़े मैं पहले कपड़े धोती हूँ तब नहा। अच्छा इसलिए मैं जब भी उठती हूँ तब तक कपड़े सूखे होते हैं, कपड़े डाल देते हैं हम लोग सुबह, फिर अपना पूजा पाठ में बैठ गए नहीं होता है। हाँ सही, 7:30-8 बजे उठते हैं वहाँ से। अच्छा कपड़ों का काम एक तरफ हो जाता है। सही है, दिन भर कौन लगेगा कपड़ों में फिर। अपने धोए लोग तो मशीन लगाते हैं, हम तो यहाँ फटाफट हाथ धोए है ना, रोज के डर इतने गंदे थोड़ी होते, पहले पास खेतों का काम करते थे, गोबर घंटे का काम होता था तो गंदे होते थे, अब तो इतना काम ही नहीं है, गंदे के कहाँ से होते। सही बात है, रोज में तो होते भी नहीं। लेकिन बिना नहाए धोए ना धोए हुए कपड़े पहनने में अच्छा लगता है। हाँ सही बात है, नहाए तो अलग कपड़े पहने। ये देखो ऊपर इतना पहन के आ गया, ऊपर पहना दो, हाथ डालो। अभी घूमने जा रहे हैं, आप भी आ रहे हो? आप आ रहे हो दादी? नहीं अच्छा अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। शाम को घूमने जा रहे हैं कुन्नूर में, हम जा रहे थे मेला देखने के लिए, मतलब मेला हमने कहा बाहर से देख के आते हैं, सामने ही लगा हुआ था हमारी आगे, तो देख कर आते हैं। ऐसी लगा है कि नहीं लगा है, ये मीनाक्षी के काम है। मीनाक्षी ने बोला कल भी कि बोल मेले चल मेला देख के आते हैं, कल भी आए हम तो कुछ नहीं हो रहा था, और आज भी ऐसा तो हमारे घर से भी दिखाई दे रहा है ये छत, वो ये चल नहीं रही है। ये देखो ये बड़ी बड़ी वो लगी हुई है चरखियाँ, चरखी क्या चुगड़ उलगाना जो आ बैठ बिंदु ना बिना बैठ बिंदु ना बैठ चरखी माँ। अब ऐसे ही बोलूंगी मीनाक्षी, मीनाक्षी इतनी बैठे चरखी माँ। यहाँ पर ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि सोच रहे हैं मेला मतलब यहाँ पर लिखा है कि 12 तारीख से स्टार्ट, तो सब लोग देखने आ रहे हैं और सब मतलब ऐसे ही देख के चले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है दिनांक 12 फरवरी से मेला स्टार्ट, और अभी यहाँ कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे स्टार्ट सब लोग वहीं पे जा रहे हैं, एक दो उधर भी हैं यार, उधर भी हैं एक दो। यहाँ पर शूटिंग का है बस, बाकी और कुछ नहीं अभी, वो भी चालू नहीं हुआ शायद, रिंग प्ले वो नहीं है, ब्रश 10 रुपए में सारा, ये माल 10 रुपए में हर माल सारा माल फिर। हाँ कुछ भी लो 10 रुपए में वाला। ये चाकू भी 10 रुपए की है भैया, सब 10 रुपए, वाओ सही है फिर तो। तो यहाँ पर ये एक शॉप है, इसमें सारा सामान जो भी मतलब कुछ भी ले लो आप 10 रुपए का है, और काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैंने भी यहाँ पर ले लिया। क्या लिया अंशी? यहाँ पर मैंने भी ये 100 रुपए का सामान ले लिया, और ये छड़ी भी थी 100 रुपए की, तो मैंने कहा अच्छा है चाय छानने के लिए, 100 रुपए की नहीं सॉरी 10 रुपए की मतलब ये भी 10 रुपए में आ गई ये छड़ी भी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मेले में आया है तो लेके चलते हैं। मीनाक्षी ने भी ले लिया। मीनाक्षी तुमने मेले में आके कितने रुपए की शॉपिंग की? 100 रुपए की तुमने भी? ये देखो सब ने छोटा मोटा सामान बस सब हो गया फिट। अब हमारा तो नज़दीक है यहाँ पर, 2 मिनट भी नहीं लग रहे तो आएंगे फिर दोबारा से कुछ और खरीदारी करें। क्या लाया आदि दिखाओ, आदि क्या लाया? आदि लाया मेरे टॉर्च, मैंने कहा पहले बोल दे फिर बाद में रोना होता है। चलती है क्यों क्यों नहीं चलाना है, चल खत्म हो जाएगा। और अंशी क्या लाई? मैं तो अंशी के लिए छल्ला लाई, और मम्मी के लिए
₹10 में कितना अच्छा चाकू मिल रहा था ना, रख दो। क्यों रख दो? रख दो सर। अच्छा ताकि मैं दिखाऊंगा। आई नहीं खोलना, हाँ। बस कुछ ना, और तेरा नहीं है, जिद मत करना, ठीक है? हाँ देखो बादी। अच्छा तेरे को तो नहीं चाहिए? नहीं है, हाँ ठीक है। चलो फिर इधर दिखाओ मेरे को, मेरे को वो तो करो। थैंक यू, थैंक यू। खुश हो गया आदि? खुश है, खुश है ना। अब अच्छे से पढ़ाई भी करेगा ना, है ना, तब फिर और लाएंगे, ठीक है? क्या आया पहले ये तो दिखा दे, क्या आया तेरे लिए? देखो एवेंजर्स ठीक है, ओके। आदि की हरकतें क्या कर रही है टॉर्च से? ये ऐसे ही लगा रहेगा अपने इनके साथ। ना ना ये तो आ चुका है खाना, और दोबारा से बोलो मैंने बोला खाना आ गया है, बाहर बारात जा रही है और रश्मि को नाचने की पड़ी थी इसलिए अब खाना लेट हो गया। मैं से कब से बोल रहा हूं आज खा ले, नाचना नहीं। तो अभी फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर ये डिनर बन चुका है, और हाँ सच में मतलब दो बार यहाँ पर ना बारात आई है, एक बार मतलब इधर को गई और एक बार उधर को गई, तो मैं दोनों बार गई देखने के लिए। ऐसे ही होता ही है, मतलब शौक है ना बारात देखने का, पहले से ही है हम लोगों को, तो फिर हम मतलब ऐसे ही चली जाती हूँ मैं कि चलो आ रही है बारात देखते हैं, और गई फिर आई खाना बनाया। अरे तो फ़ोनों में भी जी थे, आजकल लोग फ़ोन में भी जी रहने लगे हैं, तो नए मतलब हम तो पुराने ज़माने के लोग, पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें अच्छा लगता है वो सब। अब ये नए ज़माने के लोग नए फ़ोन में घुसे रहने वाले लोग हैं, तो करो अब लंच नहीं सॉरी डिनर करो। और आदि तो अपने खिलौनों के साथ ही बिजी हो रखा है, तो अभी करते हैं, मैंने बनाया था दाल वाली बड़ी होती है वो और आलू की सब्जी, तो अभी हम करते हैं डिनर, और इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग का भी एंड। मिलेंगे हम आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर। थोड़ी लाइटिंग की थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक दूसरी लाइट नहीं जलाई तो इसलिए अच्छे से नहीं आ रहा है फोकस। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब वो देखो वहाँ पे कितना ढेर मचा है आदि ने, कपड़े उतार के अपने, आदि के कपड़े जिसमें सब वहीं पड़े सब वहीं है, और आदि आज खिलौने में व्यस्त हो रखा है, आ भी नहीं रही थी। केरा बोल मेरी भूख मिट गई, हाँ भूख भी मिट गई इसकी, तो मैंने खिलौने खा लिए ना। अच्छा